सदस्यता मामले में राहुल गांधी पर बीजेपी का फिर हमला, बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, लोकतंत्र नहीं स्वार्थ की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की। एक दिन की छुट्टी के बाद आज फिर खुलेगी संसद। अडानी और राहुल गांधी के मुद्दे पर हंगामे के आसार, इस सत्र में एक भी दिन नहीं हो सका है कोई कामकाज। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ करेगी सुनवाई। 14 विपक्षी दलों ने दाखिल की है याचिका। हिरासत में लिया गया केरल में ट्रेन में आग लगाने का आरोपी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया संदिग्ध। पुलिस और एटीएस की कार्रवाई। उद्धव ठाकरे के बेकार गृह मंत्री बताने पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा कि मैं बेकार नहीं बल्कि बुलेट हूं, झुकूंगा नहीं, फायर करूंगा। इन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया है उससे नीचे की भाषा मुझे आती है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। पॉर्न स्टार केस में डोनाल्ड ट्रंप पर मैनहट्टन कोर्ट के 34 आरोप, ट्रंप ने खुद को बताया निर्दोष, गिरफ्तार करके हुई कोर्ट में ट्रंप की पेशी। महाराष्ट्र के सतारा में दफ्तरों में मास्क लगाना हुआ जरूरी। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए डीएम का आदेश, राजस्थान में 14 दिन में कोरोना से 4 लोगों की। गाजा पट्टी पर इसराइल के हमलों से पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव, हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले, कई ठिकाने बुरी तरीके से तबाह हुए। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। जसप्रीत कौर, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ।